तो हे गाइस, मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हो राहुल डीजे ब्लॉग को। तो भाई आज की वीडियो कुछ अलग टाइप की हटके होने वाली है, क्योंकि भाई आप सभी ने पहली वीडियो जो हमारी देखी होगी वो शॉप की होती है ज़्यादातर, लेकिन आज जो हम करने वाले एक एम्पलीफायर का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि भाई होने वाला है काफ़ी बेहतरीन ब्रांड, जो आप सभी ने पहले भी देखी होगी कई वीडियो में, लेकिन आज मैं उसका अलग से पर्सनल रिव्यू करने वाला हूँ उस एम्पलीफायर का, जो होने वाला भाई उसकी वाटेज कितनी हो रही है, ब्रांड कौन सा है, कितने टॉप उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, कौन सा बेस लगा सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन कितने चैनल का है, कितनी मिट है, सब कुछ इसमें रिव्यू में आप सभी को देने वाला हूँ। और भाई साथ के साथ इसकी प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ कि ये एम्पलीफायर आप सभी को कितने में पड़ने वाला है और कैसे इसको परचेज कर सकते हो आप, कहाँ से ये आएगा, कितने दिन लगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एम्पलीफायर को रिव्यू करते हैं। देख सकते हैं हमारे सामने एम्प रखा हुआ है, जिसकी ब्रांडिंग होने वाली है JPM ब्रांडिंग DJ4K2M। तो ये हमारा एम्पलीफायर होने वाला है, जिसकी कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करी जाए तो काफ़ी बेहतरीन इसका कलर कॉम्बिनेशन कर रखा है। देखो कलर रेड ब्लैक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कलर लग रहा है भाई। और रही जालियों की बात, तो जाली काफ़ी डिजाइनिंग दे रखी है, देख रहे हो आप, काफ़ी बेहतरीन। और देख रहे हो यहाँ डबल चैनल होने वाला आपका, ये जो एम्प होने वाला है डबल चैनल का होने वाला है। तो जालियों की बात करें, जालियों काफ़ी बेहतरीन जाली है। और इधर देखिए कलर कॉम्बिनेशन की तो बात ही छोड़ दो। और ये भाई साहब 8 टोन का होने वाला है, 4 इस साइड में। आप सभी को देखो लो, मिड, ये हाई दे रखा है, मास्टर यहाँ आपको दे रखा है। अगर आप जागरण में इसको यूज़ करते हो तो उसके लिए ये दे रखा है, अगर इसको आउटपुट करते हो तो इसको मोटी आवाज़ आती है, इनपुट करते हो तो आपको पतली आवाज़ मिल जाती है। तो ये भी इधर भी ये देख रहे थे, इधर ये लो हाई और मिड हाई मास्टर। तो ये सारा ये डबल चैनल की मशीन होने वाली है। और बेहतरीन ये लाइटिंग की कॉम्बिनेशन देख लीजिए, कहाँ कहाँ सब कुछ ही में देखो, यहाँ पे लिखा भी है डबल चैनल, चैनल ए, और यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ देखा जाता है चैनल बी। तो पावर एम्पलीफायर इसका जो लिखा हुआ है इसमें प्रिंटिंग हो रखी है। और यहाँ एक पावर ऑफ ऑन की एक मशीन दे रखी है, मतलब पावर ऑफ ऑन की एक झटका दे रखा है, मतलब आप इसे पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं। और ये मशीन होने वाली कितने वाटेज की, तो वाटेज में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने फ्रंट आपको दिखा दिया, अब इसको बैक देखते हैं, बैक में क्या क्या इसके है। तो आइए बैक साइड में चलते हैं और देखते हैं मशीन के। तो इसके पंखे आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी के यूज़ करे गए हैं, जिस पंखे की ये पंखे हमारे इस वजह से होते हैं कि जो हमारी मशीन की एम्पलीफायर की हीटिंग होती है उसको बाहर निकाल सके। तो ये पंखे इस काफ़ी बेहतरीन, अगर इसको आप धूप में यूज़ भी करते हो, अगर फिलहाल भाई फिलहाल आपने इसको ट्रॉली पर लगा रखा है या दिन में चला रहे हो या ट्रॉली पे नहीं है, तो अब धूप भी पड़ रही है तो इसमें काफ़ी कोई डिफेक्ट आने वाला नहीं, क्योंकि पंखे काफ़ी बेहतरीन इसमें यूज़ कर रखे, सारी इसकी हीटिंग है सब कुछ बाहर। और आ जाते हैं बैक के थोड़ी और साइड में। तो ये आपका इसमें पिकॉन का यूज़ होता है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते इसमें बेहतरीन बात एक और दे रखी, खास बात क्या है, अगर आपका केबल तार कुछ अगर बाई चांस बाई डिफ़ॉल्ट अगर ये काम नहीं करता है तो आपको ये चारों आपको काम आ जाएंगे, जिसके अंदर माइनस प्लस का तार, मतलब आप तार कनेक्शन करके इमरजेंसी में आपको यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे नॉर्मल भी सबसे बेस्ट इसका कनेक्शन मुझे यही लगा। अगर बाई चांस बाई डिफॉल्ट अगर आप कहीं गए हो लेके अगर ये काम नहीं करता है तो आप इमरजेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी क्या वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे। और आप बैक की साइड में आप देख सकते हैं कुछ इसमें फंक्शन या दिए हुए हैं। और बाकी इसकी वाटेज की अगर हम बात करें तो वाटेज कितने वाला, वाटेज भी हम आपको इसकी वाटेज की हम बात कर लेते हैं, कितने वाटेज का ये एम्प होने वाला। ये एम्प वैसे टोटली मार्किंग की अगर इसकी बात करें, जो इसमें लिखा गया है इसमें 4000 वाट का एम्प है, लेकिन अगर हाई रेस अगर मैं बात करूँ तो 4.5 से लेकर आप इसमें 5000 तक वाटेज इसको लोड मतलब दे सकते हैं। आप इसमें 3 टॉप या 4 टॉप यूज़ कर सकते हैं, बेस यूज़ कर सकते हैं। और रही मैं आप सभी को एक बेस्ट चीज़ अगर बताऊं, जिसके अंदर कुछ कारीगरी अगर आप सभी को पता है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सबसे बेस्ट चीज़ अगर इसमें जब आप टॉप लगाते हो तो टॉप चाहे आप 3 लगा लो चाहे 4 लगा लो, उसके हिसाब से जब आप इसमें टॉप लगाते हो तो भाई टॉप जिस चैनल पर लगाते हो, चाहे आप पहले पर लगाओ चाहे दूसरे पर लगाओ, उसके वहाँ पर जो लो और मिड को ऑन कर देना, लेकिन हाई को लो कर बिल्कुल कम कर देना, बिल्कुल मतलब बंद ही कर देना एक हिसाब से। और जिसमें आप बेस यूज़ करते हो उसमें भाई साहब लो और मिड को कम कर देना और हाई को ज़्यादा कर देना, ताकि इसकी आवाज़ की जो कॉम्बिनेशन होगी ना वो काफ़ी बेहतरीन आपको आएगी और काफ़ी बेहतरीन लगेगी भी। क्योंकि आप जब इसमें मिक्सर यूज़ करते हो तो मिक्सर में भाई साहब एक ही फंक्शन होता है, आप सभी को पता ही है, तो उसी में एक ही चैनल होता है और बाकी उसी से ही आपको सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर जो 2 चैनल है उसके अंदर आपको कंट्रोलर मिल जाएगा कि आप कौन सी चीज़ों को ओपन करना चाहते हैं, कौन से को नहीं करना चाहते। और रही बात अगर आप इसमें मिक्सर यूज़ भी करना चाहते हैं तो आप ये है कि अगर यूज़ करते हो तो थोड़ी सी बेहतरीन
वैसे भी क्वालिटी इसकी थोड़ी सी और अप हो जाएगी, लेकिन अगर ना भी करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और आओ चलते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर और प्राइसिंग कितनी होने वाली है। भाई आप सभी ने तो वीडियो पूरी देखी ली है, कैसी वीडियो लगी वो भी बता देना। और रही रेट की बात, मैं रेट की बताया, रेट अगर मैं बताऊँ इस एम का रेट होने वाला भाई 29,000 टोटल 29,000 रुपये रेट होने वाला है। और जो ये नंबर दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, इसी पे आपको व्हाट्सअप करना है और कॉल भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉल की कोई गारंटी नहीं कि मैं उठाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप व्हाट्सअप करें। और ये आपका जो आपको मैं बताया 29,000 रुपये का ये पड़ने वाला है आपको एम, और काफ़ी बेहतरीन इसकी पैकिंग बनेगी। और डिलीवरी अगर मैं बताऊँ तो आपको एक हफ्ते से लेकर 4 दिन लग सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में, और आगे कौन सी वीडियो शूट करनी है वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए